तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से पासपोर्ट बनाया जाए और कैसे इसे अप्लाई किया जाए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस तरह से अपॉइंटमेंट लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे कितना खर्चा आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा जो डाउट हैं आपके वो वीडियो के अंदर ही क्लियर कर दूँ। फिर भी अगर कोई डाउट आपका बच जाता है, आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये मुझे पूछ लेना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी किस तरह से अप्लाई करना है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ईजी है और आप अप्लाई कर सकते हैं खुद से तो ठीक है, नहीं तो साइबर कैफ़े में जाके आप फॉर्म अपना फिल करवा सकते हैं। तो मैंने बताया ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। तो ऑनलाइन अगर आप खुद से भरना चाह रहे हैं, गूगल पर जाइए, सीधा सीधा बस पासपोर्ट लिखिए, सर्च करिए। अगर आप वेबसाइट जानना चाह रहे हैं तो वेबसाइट रहेगी passportindia.gov.in। इस पे जाएंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है वहाँ पे, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक फॉर्म खुल के आएगा, उसको फिल करना है। इसमें जो फॉर्म फिल करते समय नाम, एड्रेस वगैरह यही सब आएगा, तो ये नॉर्मली चीज़ें, ये कोई बताने की चीज़ नहीं है। पर जो कुछ कन्फ्यूज़न आती है लोगों को, मैं सबसे पहले वो क्लियर कर दूं कि एक आता है कन्फ्यूज़न, उसमें लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जहाँ पे बर्थ प्लेस पूछते हैं, बर्थ प्लेस के नीचे स्टेट या पिन कोड जो भी वगैरह पूछेगा, वो आपको बर्थ प्लेस का ही स्टेट डालना है। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ रह रहे हैं परमानेंट एड्रेस या टेम्प्रेरी एड्रेस का डालना है, वो वही एड्रेस डालना है। और जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस पूछेगा वो अलग, उसका स्टेट और पूरा एड्रेस वो आप डालेंगे, वो तो आपको पता ही है। फिर एक कन्फ्यूज़न, लोग एक कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एक चीज़ जगह, सबको डाउट होता ही है, वो है ECR और Non-ECR। तो इसमें आपको उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा लोग जो देख रहे हैं वो Non-ECR में ही आएंगे, यानी कि Non-ECR को आपको इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि आप अगर 10th की मार्कशीट कम से कम आपके पास है, यानी कि आप 10th पास हैं और या तो इससे ऊपर, तो आपको आप Non-ECR की कैटेगरी में आएंगे। अगर आप 10th पास नहीं हैं या आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप ECR की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको उस हिसाब से सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्म फिल कर लेंगे, आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं या चालान वगैरह के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग आपको इजी पड़ेगा अगर आप करते हैं तो, वरना अगर आप इसके आदी नहीं हैं तो आप ज़रूर चालान के थ्रू भी इसे कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बैंकिंग अगर करते हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो कि ATM कार्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने में आपके आसपास जितने भी आपके शहर में पासपोर्ट ऑफिस होंगे उनकी लिस्ट खुल के आएगी, आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना मनचाहा टाइम वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और बात कि डॉक्यूमेंट क्या क्या जमा करने होंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट में आपको एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और अपना क्वालिफिकेशन, ये चीज़ आपको मैंडेटरी है, देना ही देना है। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ में अलग आप डॉक्यूमेंट देंगे और आप अपना एड्रेस प्रूफ के लिए अलग डॉक्यूमेंट देंगे। जैसे कि आप अगर आपने आधार कार्ड दिया तो आधार कार्ड आपका आ जाएगा जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में या तो एड्रेस प्रूफ में, इनमें से एक। तो उसके अलग से आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी इस तरह से कुछ देना होगा जो आपका बच गया है ऑप्शन, यानी कि डेट ऑफ बर्थ अगर आपने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है या वोटर आईडी है तो उसको एड्रेस प्रूफ में देना होगा। उसके बाद आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हैं, आप जैसे 10th पास हैं, 12th पास हैं, आप सारे रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। और वो मैं जब गया था तो माइग्रेशन फॉर्म मांग रहे थे, यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट। मैं असल में 12th का माइग्रेशन नहीं लेके गया था, मैं मार्कशीट लेके गया था। तो पहले तो एक दो काउंटर पे बोला कि आपका नहीं होगा नहीं होगा, पर जो फाइनल काउंटर था उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे पता था क्यों नहीं होगा यार, क्या मार्कशीट वो वैल्यू नहीं है उसकी क्या, तो वो ज़रूर होगा, पर माइग्रेशन अगर आप साथ में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और हर एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी भी अपने साथ में आप ले जाइए, डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी ज़रूरी है। अगर नहीं भी ले जा रहे हैं, बाई चांस आप भूल गए, जैसे कि मैं नहीं लेके गया था, मेरे को पता था यार अंदर ज़रूर फोटोकॉपी का कुछ इंतज़ाम ज़रूर होगा, तो हाँ बिल्कुल ऑफिस के अंदर फोटोकॉपी का भी इंतज़ाम रहता है, एक छोटी सी शॉप वगैरह रहती है, पर वहाँ पे हाँ आपसे थोड़ा चार्ज ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसलिए आप पहले से करा के रखें, ज़्यादा अच्छा है। फ़ोटो देखिए वहीं पे क्लिक होगी, आपको फ़ोटो की टेंशन नहीं है, आपको सामने बैठा के वहीं पे क्लिक किया जाएगा और आपको फ़ोटो दे दी जाएगी हैंड टू हैंड, और उसको ले जाके आपको जमा करना है लास्ट में फॉर्म के साथ। तो इस तरह से प्रोसेस रहेगा।
और चार्ज, हाँ बिल्कुल, अपॉइंटमेंट के टाइम पे मैं बता दूं कि अपॉइंटमेंट के टाइम पे मेरे से भी ये चीज़ हुआ था कि मैं जिस दिन अपॉइंटमेंट था उस दिन नहीं गया था, किसी और काम में लग गया था या शायद भूल गया था, ऐसा कुछ था। तो ऐसा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आपका अपॉइंटमेंट मिस हो गया तो आपको फिर से सब चार्ज भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप नेक्स्ट डेट ले सकते हैं, आप जब चाहें फिर से डेट ले सकते हैं, कोई इसमें बड़े इशू नहीं है और आपको कोई अलग से चार्ज भी नहीं लगेगा। चार्ज कितना लगेगा ज़रूर, ये बात सबसे बड़ी बात है। देखिए, कोई भी दलाल वगैरह के चक्कर में आप ना पड़िए, आप जो मैंने प्रोसेस बताया उस तरह से आप करिए तो आपका 1500, कम से कम 1500 तक का चार्ज लगता ही लगता है। इसमें 36 पेज का आपको पासपोर्ट इशू किया जाता है और एक है 60 पेज का, अगर आप बनाते हैं तो उसमें कम से कम आपको 2000 तक का चार्ज देना होता है। अब कितना टाइम लगता है, देखिए टाइम, आप अगर टाइम की बात करें तो इसमें 30 दिन तक लग सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू अपना पासपोर्ट फिल करते हैं तो, वरना एक और अगर आपको तत्काल चाहिए, मतलब तुरंत चाहिए आपको कि मुझे अर्जेंट है अभी पासपोर्ट चाहिए, तो आप तत्काल पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको चार्ज डबल देना होगा, यानी कि आपको 3000 तक का चार्ज देना होगा, पर उसमें 7 दिन में आपका पासपोर्ट रेडी करके आपको दे दिया जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब 7 दिन के अंदर ही हो जाएगा। अगर 30 दिन का आप चूज़ करते हैं तो 30 दिन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करके आपको हो जाएगा। एक बार बीच में आपको पुलिस की तरफ से जो भी वेरिफिकेशन करने आता है वो कॉल करेंगे, आपके घर आएंगे, आपका एड्रेस वगैरह देखेंगे, आपसे थोड़ा बहुत कुछ पूछना होगा पूछेंगे, बस और कुछ नहीं। और हाँ, आपको 45 रुपीज़ मांगा जाएगा SMS के लिए, कि आपके मोबाइल पे SMS आएगा, आपका सारा अपडेट आएगा कि आपका पासपोर्ट अभी कहाँ है, किस जगह है, क्या हो रहा है अभी आपके पासपोर्ट के लिए, तो ये सारे आपको अपडेट आते रहेंगे। इसके लिए 45 रुपीज़ मांगा जाएगा। अगर आप देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाह रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप मना कर सकते हैं। और साथ में कहीं कहीं आपको वो पासपोर्ट का कवर वगैरह के लिए भी आपसे पूछते हैं तो वो काफ़ी अच्छा खासा चार्ज लेते हैं, तो आप उसके लिए भी मना कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ये पूरा प्रोसेस रहेगा, आपको ऑनलाइन जो पे करना है वो तो करना ही करना है, वो मैंडेटरी है, जो ऑफलाइन है वो आपका ऊपर है, आप उसके लिए चार्ज देना चाह रहे हैं नहीं देना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो इस तरह से आपका पासपोर्ट रेडी होके 30 दिन बाद डाक के थ्रू पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन आएगा और आपको दे के जाएगा। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, सी यू अगेन।